पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड हो था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही है। उनके चवाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबड़ा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी ऐसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबड़ा जबड़ा। जबड़ा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ता है। वो अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, ली हो ली हो। जबड़ा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और तीन चार कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक जैसा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुड़ेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा। जबड़ा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आँख खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर चले गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।